Thank you all for making yourself available for us today. We hope to host you all to our best abilities. I would now like to take the honor to welcome our most special guest, a man who needs no introduction, a voice that has been winning hearts through generations. Please put your hands together for the all-time music sensation, Shyam. Heartiest welcomes, Shyam. My little bit of flowers that I could manage for you. They're pretty heavy, you know, because I have never bought flowers for men. So I don't know what kind of flowers to give to man. Okay. I'll take it home to my wife. Please do. Thank you so much. Musical treat. Mr. Hiro Thadani, to start with. The main man, the singer, the actor, and of course, the financier of the project. The team that created the music, you will be mesmerized when you hear it. Yes, I would start with the lyricist, late Madhosh
Bill Graham. We miss him. Our music directors, Arvind Jha, and Lighten. We miss Indro. Please convey my regards to him. He has been a wonderful guitarist. Okay, my video production team, my director and editor, Roop. Come on, handsome, you should look up. Many people want to look at you. Okay, Sarfaraz, I'm missing you here. Sarfaraz, my DOP, you'll get to know what he has done, what magic he has done. Okay, my heroine, come on, Pooja. Another beauty that Sir has come across after Niharika, and Kangan is on her way. Okay, and then we have our assistant director Ruchi with all her excitement and strength that she's run, and she has come all the way from Pune just to attend this. I have Manohar Ravindran, my backbone. Where are you, Ravindran? Where are you? Can you please go and find out where Manohar Ravindran is? He's always behind the scenes. I don't know. I just could not have done a bit without this man. He is my backbone. And yes, of course, not to mention even I am there. So this is Maya. They call me the producer of Rolling Panda Entertainment. I welcome Shan. At your seat, sir. Please. मैं आपसे एक छोटी सी एक ज़्यादा वक्त ना लेते हुए एक छोटी सी एक वाक्य बताना चाहता हूँ कि पहली बार मैं हीरू जी को मिला आज से करीबन 2 महीने पहले और हम लोग फ्लाइट पे जा रहे थे, शंघाई जा रहे थे, तो वहाँ हीरू जी मुझे मिले और वी हिट इट ऑफ लाइक हाउस ऑन फायर। उसके बाद जहाँ मेरा शो था तो हीरू जी भी आए वहाँ और वहाँ भी कुछ बातें हुई और उनकी हर बात पर मुझे एक प्रेरणा मिली, एक इंस्पिरेशन मिली और शुरू में लगा कि यू नो म्यूज़िक के शौकीन हैं और वो ऑब्वियसली क्यों ना हो
यू नो ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस मैन, उनके पास पैसे हैं, तो जो दिल में आया वो कर सकते हैं, ऐसी एक फीलिंग आ जाती है ना अंदर अंदर ही. लेकिन जैसे जैसे उनसे मैं और इंटरेक्ट करने लगा तो पता चला कि ये द पैशन इज़ एक्चुअली मच मच मोर देन द जो मतलब जो आप हम आप तक पहुंच रहा है. और फिर जब उस पर मैं थोड़ा सा और सोचा तो मुझे ऐसा लगा कि हम जो प्रोफेशनल्स हैं, जो हम म्यूज़िक को एक आमदनी के ज़रिया बना चुके हैं इतने सालों से, वही हमारी यू नो एक लाइवलीहुड है, तो हम खुद को समझते हैं कि हम म्यूजिशियंस हैं क्योंकि वी आर प्रोफेशनल म्यूजिशियंस सो टू से. लेकिन जब कोई उसे एक हॉबी या उस पैशन को उस लेवल तक, उस जुनून तक ले जाए जहाँ वो ये समझ पाते हैं कि अगर यही वक्त मैं अपने बिजनेस में डालता तो शायद मैं ट्रिपल और ये कर लेता, वो कर लेता, बट दैट काइंड ऑफ टाइम एंड पेशेंस एंड पैशन दैट पर्सन इज़ पुटिंग इन टू म्यूज़िक, एज नो बार, लिमिटेशंस नो बार, ही इज़ गोइंग ऑल आउट एंड डूइंग इट, इट्स शोज मच मोर कैरेक्टर, शोज मच मोर स्पिरिट देन मोस्ट ऑफ अस प्रोफेशनल म्यूजिशियंस. एंड विच इज़ वाई मैंने कहा कि आई वॉज इंस्पायर्ड बाई दैट, कि मुझे भी लगा कि अब वी शुड अगेन लुक एट म्यूज़िक एज थरली एंड सिंपली एंड ओनली पैशन, एक जुनून ही होनी चाहिए, तब जाके वो बात वो काम करती. और साथ साथ उसके बाद उनकी बहुत सारी फिलोसफीज़ हैं, उनकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हों जिससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली. जो भी हैज़ गॉन थ्रू इज लाइफ इज़ ऑलवेज लुक्ड टू म्यूज़िक टू गिव हिम मोर स्ट्रेंथ, मोर सपोर्ट. एंड आज ये जो एक यूथफुलनेस उनमें है, एक जोश है ज़िंदगी को जीने की, दिस इटसेल्फ इज़ सच एन इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस. और उसलिए खासकर ऑफकोर्स गाना मेरी बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन है. मधुज जी, मधुज बिलग्रामी जी मेरे पिताजी के बहुत ही करीबी दोस्त हैं. और मतलब मैं तभी हमारा एक ही कमरा था तो कहीं एस्केप करने का उपाय भी नहीं था, तो वहीं बैठे बैठे उनकी बातें, उनकी यू नो ही वाज अ डबल एमए इन इंग्लिश इन उर्दू, और उनकी जो दखल थी लैंग्वेज पर, चाहे इंग्लिश हो या फिर उर्दू हो, इट वाज ट्रेमेंडस. और वो हमेशा कहते कि एक लैंग्वेज, जब मैं भी लैंग्वेज कह दिया, लेकिन वो कहते थे कि अगर हम उर्दू में बात करेंगे तो सिर्फ उर्दू में बात करेंगे, वहाँ एक भी अंग्रेज़ी शब्द लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, और जब मैं आई स्पीक इन इंग्लिश आई विल स्पीक इन इंग्लिश. ही वाज अ वेरी 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 लर्नड, वेरी सेंसिटिव एंड अ वेरी अमेजिंग क्रिएटिव पर्सन. ही इज़ रिटन सो मेनी स्क्रिप्ट्स, कथा हो, कल्चर. मेरे पिताजी की उनके साथ एक ही फिल्म हुई थी, एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, और मोहन जोशी हाजिर हो पर भी सिटिंग्स हुई थी, बट देन दैट चेंज. बट व्हाट आई नो हिम सो मेनी इयर्स, तो उनकी लिखी हुई नज़म है तो मुझे ये आना था ही. हीरो जी की आवाज़ में एक वॉर्म्थ है, एक कशिश है, तो आई रियली एंजॉयड द ऑडियो. और जब मैंने आज मैंने वीडियो देखा, सो इट्स फैंटास्टिक. पूजा इज वेरी ब्यूटीफुल, एंड अरविंद जी लिटन हैव डन अ ग्रेट जॉब विद द ऑडियो, एंड ही इज अ यंग डायरेक्टर प्रोड्यूसर हु हैव डन अ वंडरफुल जॉब विद द वीडियो आल्सो. मैंने सारा सब कुछ कह दिया, अभी बाकी सब आप उनसे पूछ लीजिए. आपकी बात होती है, आपके सिंगल्स की बात होती है, आपका पुराना तुम जान हो मेरी पहले याद आता है. हाँ जी, हाँ जी. और तुम जान हो मेरी, और उनको अपने करीब देखा था, इस यात्रा को लेकर कुछ बताइए, कैसे इसकी तैयारी हुई, क्या विशेष आपने तैयारियाँ की हैं, उस गाने और इस गाने में क्या डिफरेंस रखा है, म्यूजिक में क्या डिफरेंस रखा है? देखिए, मैं पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि शान साहब ने कुछ ऐसी बातें की हैं, आई एम एब्सोल्युटली बोल्ड, यू नो ही इज़ अ रॉक स्टार, आई मस्ट से इंडीड. मैं इनका कुछ प्रोग्राम देखने गया था हाले खार्ज, बड़ा पब्लिक था, मैंने गया आई मस्ट गो एंड सी हिम, एंड यू कांट बिलीव दैट ही हैज़ परफॉर्म्ड आफ्टर 20 इयर्स राइट देयर इन जिमखाना, एंड एवरीबडी रॉक everywhere, and what an energy, yeah. 3 hours non-stop singing, it was amazing. So I'm so glad that I'm emotionally connected. He may say I'm a friend, but he's just like my son. Yes. हाँ जी, तो इसके लिए मैं तो पहले इनका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आए हमारे बीच में बैठे. He's a very very warm person, very friendly person, and
I think he is going to places. जो भी आपकी बात हो रही है, आप बताइए। उन्होंने मेरी जहाँ तक बात है, देखिए मैं तो पकी जाती हूँ। एक दूसरे के बारे में बोलते रहेंगे। कुछ भी सवाल करें। मैं तो पैदा ही मजदूर हुआ था। अभी तक मजदूरी है। तो ये मजदूरी करते करते हमने कुछ ये गाने का शौक था, वो बच्चा था अंदर हमारे, भूत था। तो यार एक तो संघर्ष फैमिली सारे, हाँ जी लुक इधर देना पड़ेगा आपको, हाँ कैमरास तो सारे हाँ, इधर तो हाँ, जहाँ बोलो यार मैं आ गया। हाँ तो सर ये ऐसा है कि जब आप पूछते हैं तुम जान हो मेरी जब गाना लिखा गया था अरविंद जैन और ल्यूटा ने उसको कंपोज किया था, ट्रैक किया था, हमने साथ में बैठे थे। मैं आपको किस्सा बताता हूँ, आई नॉट टेक लॉन्ग टाइम बिकॉज यू नो वी आर ऑलरेडी ऑफ द शेड्यूल। तो जनाब एक दिन आए हमारे अरविंद जी जो हमारे अभ्यास कराते हैं, कहते हैं भैया ऐसे गाया करो यार, मजाक मत करो। तो इसने कहा कि साहब आप आज थोड़े से उदास लग रहे हो। तो मैंने कहा यार मेरी बेगम ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है। तो उसने चल लाइन बोल दी। तो जब इसने एक लाइन लिख ली तो मैंने कहा कि यार दूसरी लाइन मैं बताता हूँ आपको। तो बस उस तुम जान हो मेरी, वही जान है मेरी, आज तक रहेगी और कभी भी मैं उसकी यादों में रहता हूँ। और ये जो अभी का जो है उनको अपने करीब देखा था, ये भी एक कल्पना है। एक तन्हाई के हिसाब से हमने इसको, जैसे कहा मधोश जी हैं, मधोश जी हमारे सन इन ला के पिताजी हैं, एलिया जंग, उसका नाम जरूर मेंशन करूंगा, उस तरफ ही देखना। हाँ तो मैं उनका नाम जरूर मेंशन करूंगा कि उन्होंने एक किताब दी मुझे उर्दू में लिखी हुई थी। तो ये जैसे सर ने कहा कि मधोश जी और इनके पिताजी बड़े दोस्त थे, साथ थे, तो मधोश जी काफ़ी इमोशनल इंसान थे और काफ़ी दर्द भरी नज़में लिखते थे, यू नो। तो हमने किताब को देखा, एक ये नज़म ध्यान में आई कि यार ये अच्छी नज़म है, और मैंने अरविंद जी को कहा कि यार इसकी कुछ, उसको कुछ किया जाए। बस दैट वाज द वे, एंड आज आप देख रहे हैं पर्दे पे। देखो इतने प्यारे, इतना प्यारा गाना है, इतनी प्यारी हीरोइन, इतनी खूबसूरत वादियाँ, इतना प्यारा डीओपी का काम, सब तो आपको एज अ डायरेक्टर कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। नहीं नहीं मैं सॉरी, एक नहीं सर मैं एक बात बताना, नहीं ये रूप जी का जो है बात, रूप जी ये मैंने कहा यार इसकी, मैंने कहा भाई ये आपने हीरोइन तो ढूंढ ली, तो हीरो कहाँ है भाई? बोले हीरो तो आप है। मैंने कहा देखो ये तो बोले नहीं आपको पोजीशन ऐसा किया जाएगा, अभी इसकी कल्पना है, इसने सारी स्टोरी लाइन जो ब्यूटीफुली की इस अपने रूप जी और माया जी ने, कमाल कर दिया। आई एम टेलिंग यू इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी लाइन, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी लाइन। आई मीन आई कुडंट हैव इमेजिन that what he's told me, he in fact he narrated. So I'll tell you something about this video. ये actually मैंने जब गाना सुना था, तो मैंने जब गाना सुना था तो of course मैं 90s के zone का बहुत बड़ा fan रहा हूँ, तो ये melody मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो I was flown away with the song. तो उन्होंने मुझे बताया कि मधोश जी जो है उन्होंने ये लिखा था और and he dreamt of something like this. So मैंने इनको यही कहानी बताई कि एक कवि एक poet है जो एक सपना देखता है और उन सपने में एक लड़की को देखती है, एंड दिस लड़की, ये जो लड़की है, दिस गर्ल, शी इज़ नॉट लाइक अ ह्यूमन टच गर्ल, लाइक शी डिफाइंस नेचर, शी इज़ अ मेटाफर ऑफ नेचर, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे होंगे पानी है, फिर नेचर है, एंड देन वी हैव लाइक एनिमल्स ऑल्सो। सो शी हीरोजी लाइक द पोएट फॉल्स इन लव विद द मेटाफर ऑफ नेचर, एंड व्हेन ही वेक्स अप उनको रियलाइज होता है कि ओ माय गॉड आई एम इन लव विद दिस व्हाटएवर आई हैव सीन, व्हाटएवर दिस फीलिंग इज, and throughout the entire feature it, he just keeps on narrating of what he has seen in the dream. So we keep on going in the dream and then come into the reality. So that's what the video is about, and
बात करें तो हीरू जी के बारे में, तो आपने सही कहा कि एक्चुअली जब हम लोग सेट पे जाते हैं तो मुझे एक्चुअली हीरू जी को कुछ बोलना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि ही इज़ ऑलवेज रेडी, क्योंकि मैं उनको ऑलरेडी दे चुका था स्क्रीन प्ले, सो ही इज़ ऑलरेडी रेडी कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसे मूव्स देने, सो इट्स लाइक वन टेक में ही हो जाता है काफ़ी बार, एंड मैं थोड़ा ज़्यादा और टाइम लूँगा. I generally do this because I really want to thank the entire team who has been behind this entire video. He loves talking. Same. Yeah, I do. And so well, please carry on. So I really want to thank Pooja for delighting us with the beautiful frames. Thank you so much. It was enlightening. The way whenever we see you in the frame, it's beautiful. And collaborating you with Hiruji was a painting. I'm so happy. Thank you Arvind ji, Lighten ji for this beautiful track. Yes, जैसे मैंने कहा कि हमें हमेशा आपके गाने 90s के जोन में लेके जाते हैं, और मैं वहीं का बंदा हूं तो मुझे फील आ जाती है पकड़ में. सर आप कुछ जिक्र करेंगे सर फराजी की बात? इन्होंने तो कमाल ही कर डाला यार, आगे वही भी जा रहा. अरे यार हमको तो गिरा दिया था अभी पानी के झरोकों से. अभी हमने जो देखा है कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर गाना सब तो ठीक है, बट इसको इतने अच्छे से अगर पिक्चराइज किया गया है, एंड दैट एंटायर क्रेडिट गोज टू सरफराज, एंड आई रियली वांट टू गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, बिकॉज सरफराज के बिना ये जो विजुअल क्वालिटी आपने देखा, जो विजुअल अपील देखा, ये बोल रहे बस करो भाई, ये पॉसिबल ही नहीं होता. थैंक यू सरफराज अ लॉट. मैं एक छोटा सा और एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ बिकॉज इट इज रियली इंपॉर्टेंट. हाँ बहुत छोटा है. क्या है, हम लोग जब गाना बना रहे थे ना, तो हम लोग को प्री प्रोडक्शन में 15-20 दिन लगे थे, वो रेडी हो गया था, बट हम लोग को लोकेशन नहीं मिल रहा था. एंड सडनली ऑन अ संडे वी गेट द लोकेशन थैंक्स टू प्रेम एंड निपुण सेठ. द लोकेशन विच वी सी, माय सिस्टर, मैं निपुण सर, आई विल टेल यू, प्रेम कम हियर. एक मिनट थोड़ा सा इनको आने कैसे आएंगे सर, ये प्रेस खत्म करते हैं. ठीक है, वो बोल देगा कि हमारी बहन है, प्यारी बहन है, और हमारे भाई साहब दोस्त हैं. इनफैक्ट ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ माय सॉन्ग्स निपुण शेट, यू नो, एंड ही इज द बिगेस्ट फैन ऑफ माय फैमिली, यू नो, ही इज नंबर वन फैन ऑफ द फैमिली. आई एम टॉकिंग, बाहर तो कई रहते हैं पर फैमिली में ज़्यादा कम रहते हैं. ये बड़ा जबरदस्त फैन है हमारा. तो इन्होंने, प्रेमू ने कहा मुझे, मैंने कहा यार इतना दूर, इतना खर्चा, ये वो, बोले नहीं कर डालो इधर, ये बहुत अच्छी जगह है. रोज फोन करती थी मुझे, यही होना चाहिए वीडियो, भाई यही होना चाहिए. फिर तो ये रूप को लेके गया, तो बोले यार इनको लेके गया, तो बोले यार इनको जगह. हम लोग एक हफ्ते से वीडियो प्लान कर रहे हैं, गोवा इतना तामझाम, मुझे पता था तो यही कर लेता पूरा. नहीं नेक्स्ट वीडियो आपकी दोस्त कोमल. तलब बढ़ती जा रही पूजा जी से पूछिए. साइलेंस कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अच्छा एक अर्ज है, आप शांत हो जाएंगी तो पूजा की थोड़ी आवाज सुनाई देगी आपको, थोड़ा जोर से बात. पूजा जी इतनी खूबसूरत आप हैं, इतने खूबसूरत गाने में, इतनी आने में देर क्यों कर दी? रियल पांडा आपको, रोलिंग पांडा पहले नहीं मिला ये टीम? काश मिली होती तो शायद ये वीडियो पहले बन जाता या मैं पहले म्यूजिक वीडियो कर लेती, बट देन आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड कि मुझे अब मिला है. एक्सपीरियंस की बात करें तो मैंने आज तक खाली यू नो सीरियल्स की है, फिल्म्स की है, बट देन दिस इज़ माई फर्स्ट म्यूज़िक वीडियो. तो वो कहते हैं ना, कोई भी चीज़ जो पहली होती है वो हमेशा स्पेशल होती है, वो चाहे पहला प्यार हो, पहली सीरियल हो, या पहली फिल्म हो, या म्यूज़िक वीडियो ऐसा हो. सो दिस इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी क्लोज टू माई हार्ट. प्लस आई हैड सच एन अमेजिंग टीम टू वर्क विथ, तो आई एम रियली ग्लैड. इतना कूल डायरेक्टर, यू नो डायरेक्टर अगर इतना अच्छा हो तो इट्स वेरी ईजी, गेट्स वेरी ईजी फॉर द एक्टर. Yeah, definitely. And with working with sir was a lovely experience. इनके जैसे को एक्टर मिलना is like
like, you know, you really feel young when you are with such a visual these days. Yeah. माजी सबसे पहले आप बताइए आपने ये नाम कैसे सोचा रोलिंग पैंडा रोलिंग पैंडा पैंडा रोल करते ये नाम कैसे आपने हाउ डू कम विद दिस नेम एक्चुअली ऐसा है अगर आप लोग पैंडा का कैरेक्टर जानते हैं तो बहुत लेजी है बहुत उसको प्यार चाहिए यू नो हमेशा प्यार चाहिए और उन लोगों को बहुत मज़ा आता है मस्ती होती है जब भी आप उन लोगों को देखोगे वो दे आर ऑलवेज यू नो एन्जॉइंग देयर रोल्स सो मैं बेसिकली लेजी हूँ और मुझे मेरे बहुत करीबी दोस्त लोग पैंडा बुलाते हैं और कैमरा रोल होता है तो मुझे लगा सब मिला जुला के एक रोलिंग पैंडा हो जाए सो my company's name is Rolling Panda and thank god aapne wo camera roll hota hai baat aapne clear kar li yes yes ki main lazy hu main panda aur panda ko roll karna pasand hai main bhi roll karna so and pandas now they are not into any kind of mess un log ekdam enjoy karte apne life sorted apne life mein you know apne bamboos chaba lete hain to you know de nahi sakte doge to kha lega you know so it's like that बट कमिंग टू दिस पर्टिकुलर वीडियो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी ये बोलने लायक बात है कि हमारी पूरी वीडियो में कुछ तैयारी नहीं थी 48 आवर्स से पहले हमें पता भी नहीं था ये वीडियो होने वाला है ऊपर से हमारे पास कोई हीरोइन नहीं थी मैडम जी के दांत में दर्द था इतना ज़्यादा कि वो बोल नहीं पा रही थी तो शी सेड माया मुझसे होगा नहीं यार एंड वी डिड नॉट नो व्हाट टू डू सो वी क्लोज्ड इट हमें नहीं चाहिए नहीं करना है वीडियो क्या है व्हाट्स अ बिग डील नहीं करना है सर भी बाहर जा ही कीप्स ऑन फ्लाइंग ही इज ट्रैवलिंग सो मच सो उनको भी फर्क नहीं पड़ा चल यार बाद में देखा जाएगा बट शी वॉज द गर्ल बिहाइंड इट एंड शी कॉल्ड मी माय आई वॉन्ट टू डू इट कैन वी डू इट मुझे बस इतना ही दिन का टाइम मिला है डॉक्टर से कि इतने दिन में ही करना पड़ेगा एंड देन वी हैड ओनली 48 आवर्स सो 48 आवर्स भी नहीं क्योंकि जिस दिन बोला है उसके बाद एक पूरा दिन एंड नेक्स्ट डे हमारी शूट है सो एक दिन में आई हैड नोबडी आई एंड रुचि वर द पीपल रनिंग अराउंड गोइंग टू प्लेसेस टू गेट क्लोथ्स इयररिंग्स नोज पिंस ड्रेसेस नहीं थे कुछ नहीं था आई डोंट नो हाउ टू डू इट सो इधर उसके अपने कपड़े हैं या फिर हम कहीं कहीं से जुगाड़ के बनाए हैं ये तो ऐसा था सो एक दिन में ये वीडियो का प्रिपरेशन हुआ है सो ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी वी हैव टू वेरी बिग थैंक आवर हेड ऑफ प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मनोहर रविंद्रन फॉर मनोहर रविंद्रन को तो अभी चिल्ला चिल्ला के बुलानी पड़ी थी अभी आ गए हैं जनाब यहाँ पे इसके बिना तो हम चल नहीं सकते तो ही इज दैट लास्ट मिनट मैजिशियन जो पूरा तैयारी कर दी है सो थैंक यू वंस अगेन मिस्टर रविंद्रन ही इज अ नो नॉनसेंस मैन ही इज अ नो नॉनसेंस मैन आप बोलो और वो चीज हाजिर ऐसे टाइप के हैं तो ऐसे लोग अगर साथ में हो ना तो ऐसे वीडियोस बन जाते हैं उम्मीद करते हैं कि किसी दिन हम फिल्में बनाएंगे और वो भी बैकग्राउंड म्यूजिशियन बैकग्राउंड सिंगर होंगे नहीं नहीं भाई हीरू सर और एक और मेरा तमन्ना है ये मेरी तीसरा वीडियो है हीरू सर के साथ तीसरा लॉन्च है मेरा मेरे हार्दिक तमन्ना है कि मैं इनको बैकग्राउंड में सुनना चाहती हूँ जिस तरह से एक टाइम पे जगजीत सिंह जी गाना गाते थे और उनके बाद वो वॉइस वापस आया नहीं है सो बस अगर कोई एक बंदा है जो वो वॉइस को मेकअप कर सकता है दैट इज मिस्टर हीरू ठेडानी और मैं उस दिन की वेट कर रही हूँ जिस दिन मिस्टर ठेडानी को कोई ये ब्रेक दे दे मेरा नाम हीरू है हीरू जी को कोई ब्रेक दे दे इस पे कि वो बॉलीवुड में गाना गाए मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ शान साहब का जो मैंने परफॉर्मेंस देखा था और काफी तो मैं शान साहब को अर्ज करूँगा कि हमारे साथ एक हम गाना बनाए जिसका वीडियो बनाया जाए शान साहब हमारे साथ अरविंद जी भी है लिटन भी है तो अगर आप कुछ ऐसा तैयार हो तो हो जाए सर फ्यूजन हो जो भी है सर अब तो करना ही पड़ेगा हम कुछ गजल गा लेंगे सर तो रैप करते हैं बस ये चीज हमारे आपको देखना नहीं है
दमन में आप थे तो क्यों याद दिला रहे हैं सर ऐसी बातों की? अभी अच्छी अच्छी खुशनुमा माहौल है उसमें आप अचानक से राइमा के सामने आप ऐसे क्यों? Okay. वो था 21 साल पुरानी बात। उसके बाद मिकी के साथ किया ना फिल्म, पूरे 4 मिनट चले फिल्म ऐसे ही। चलो ये लाइन सुना लेता हूँ। उनको अपने करीब देखा था, उनको अपने करीब देखा था, हाय कितना हसीन सपना था, हाय कितना हसीन सपना था, उनको अपने करीब देखा था। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, अभी अभी एक जो फिल्म आई थी फॉरगॉटन आर्मी, उसमें एक बहुत प्यारा गाना है चंदा, इट्स अ लोरी टाइप का गाना है, बहुत खूबसूरत गाना है, प्रीतम दा ने किया है म्यूज़िक। फिर एक बागी 3 फिल्म आ रही है, तो उसमें एक दोस्ती पर, एक भाईचारा दोस्ती पर गाना है, बहुत बहुत प्यारा गाना है, रोचक कोहली जी ने बनाया है म्यूज़िक। फिर एक आ रहे हैं ऐसे बैड बॉय, मिथुन दा के जो छोटे बेटे हैं वो लॉन्च हो रहे हैं, तो हिमेश जी ने म्यूज़िक किया है, तो उसमें एक गाना है। लेकिन आजकल ये जो अब तक रिलीज़ नहीं हुए ना उनके बारे में कहना थोड़ा सा डर डर के कहना होता है, क्योंकि कब क्या हो जाए कब क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मज़ा। तो आज हम यहाँ हैं, हम लॉन्च कर रहे हैं उनको अपने करीब देखा है। हाँ, मैं भी कुछ जैसे आपको बताया कुछ म्यूज़िक वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो जैसे सर ने कहा उसमें तो आजकल ट्रेंडी चक्कर है, तो एक गाना बना है जिसका नाम है स्नाइपर। सर हमें भी याद कर लीजिए कभी। और एक गाना है जैसा नहीं, ऑफ कोर्स अब तो पता चला है कि 48 आवर्स में ये बन सकता है। तो फिर हम तो काफ़ी वक्त लेके करते हैं चीज़ें। दूसरा गाना है कि मैं तुझे याद करता हूँ, विच इज़ मोर ऑन द लाइन ऑफ दिस गाना। वाह क्या वाह, तेरा पता नहीं मैं तुझे याद करता हूँ, इस तरह का गाना है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बॉलीवुड की शान शान हमारे बीच, और उनसे दो लाइनें हम, मैं चाहूंगा कि हमारे, हाँ बिल्कुल, रिटर्न अरविंद जी पहले आप भी बताएं थोड़ा गाने के बारे में और म्यूजिक के बारे में। अच्छा चलिए, मैं उनके उनके बिहाफ में मैं कुछ कह देता हूँ। गाना गाइए, कुछ अपने पसंद का कुछ सुनाना भी है। नहीं, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि ये गाना जो कंपोजिशन अरविंद जी ने, लिटन जी ने किया है, इट्स ऑन नज़म पे किया है, तो उनको वर्ड्स मिले थे। आजकल ज़्यादातर जो होता है कि पहले ट्यून बनती है उस पर लोग लिखते हैं, तो इस गाने की जो मैजिक इसलिए लोगों को और ज़्यादा महसूस हो रही है, जैसे हमारे यंगस्टर है रूप, और आजकल ये बहुत टिपिकल एक वर्ड है, ट्रेंडी वर्ड है कि 90s का फील है, 90s का फील है। तो म्यूज़िक में कोई टाइम या कोई टाइमलाइन नहीं होना चाहिए, कोई 90s या 30s या 2010 या 2020, म्यूज़िक इज़ टाइमलेस। Music is all about the melody and about the marriage of a composition and lyric. And अगर आपके पास ऐसे lyric हैं तो आप इसके साथ जैसे उनको अपने करीब देखा था, उनको अपने करीब देखा था, ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा गाने खत्म हो जाएगा ना। हाँ कितना हसीन सपना था, वो डर जाएंगे, सपना नहीं है, nightmare है। So obviously for a beautiful poetry will come a beautiful melody, जो उन्होंने किया, उन्होंने बनाया, तो वो भी हिट हो जाएगा। And I think that is the problem कि हम लोग आजकल साउंड और हम लोग एनर्जी और इन चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें जो भी गाना चल रहा है, आज भी जो भी गाना चल रहा है, इट इज़ बेस्ड ऑन लिरिक्स, एंड इफ द लिरिक हैज अ सर्टन कनेक्ट, अगर वो लिरिक आपको कनेक्ट करवा सकता है, तो उसके ऊपर एक सिंपल सा, एक खूबसूरत सा, एक मेलेडिक आप नोट्स यूज़ करें, फ्रेश लगे, ओरिजिनल लगे, एंड द जॉब इज़ डन। सो यही सारे गाने जो मतलब ये 60s 70s में जो बनते आ रहे थे, दे वर ऑल कम्पोज ऑन लिरिक्स। ओपी नायर जी ने एक भी गाना कम्पोज नहीं किया था, ऑन लिरिक्स ही हैज़ कम्पोज। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, और उसलिए वो गाने अब तक रहते, क्योंकि उस शब्दों को एकदम सही तरह से सजा के पेश किया जाता है। तो ये 90s या 80s या ऐसी बात नहीं होती है, अच्छी चीज़ अच्छी होती है, उसकी कोई एज या टाइम लिमिट या टाइम लाइन नहीं होती। ये मुझे एक जनरल बात कहनी थी,
उसने मैंने इतना ही कहा अबाउट म्यूजिक, तो बार बार ये सुनते रहता हूँ ना, 90s अजीब लगता है। और नहीं बिल्कुल, ये हमारी ही एक एक मनवृत्ति है कि हम, लेकिन म्यूज़िक में कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती, और म्यूज़िक ऐसी चीज़ है जहाँ हम, हमारे देश में हम जानते हैं हमारे जो क्लासिकल आर्टिस्ट हैं, हमारे लता जी आशा जी आज भी जिस लेवल पर वो गा सकती हैं या गाती हैं, सो म्यूज़िक डज़ नॉट हैव एनी एक्सपायरी डेट नहीं होती। और जब तक आपके अंदर वो पैशन है, और सर तो ये नहीं कह रहे ना कि मैं मतलब हीरो के लिए गाना चाहता हूँ, मैं, उनकी अपनी पैशन है, वो अपना गाना बना रहे हैं अपने स्केल में, अपने अंदाज में, अपने स्टाइल में वो गा रहे हैं। सो आई थिंक वी शुड इनकरेज दिस थिंग, बिकॉज म्यूज़िक इज़ थेरेपी। और एक उम्र, एक पॉइंट के बाद अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी ख़ास चीज़ ना हो, बस वही फैमिली, वही बच्चे, आपके सारे जो सुख दुख सब किसी और पर आप निर्भर हो कि अगर वो मुझे, मेरे साथ सही रहे तो मुझे खुशी होती। लेकिन म्यूज़िक एक ऐसी साथी है जो आपको कभी नहीं छोड़ सकती, वो हमेशा आपके साथ है। तो इस साथी को सर ने अपनाया और उसके बाद सबके साथी वो बने, विच इज़ वाई ही इज़ अ फ्रेंड टू ऑल, एंड बिकॉज ही हैज़ गॉट दिस म्यूज़िक फॉर अ कंपेनियन। तो इसी बात से मैं इंस्पायर्ड हूँ कि म्यूज़िक को सबसे पहले अपना साथी बनाना है, अपना कंपेनियन बनाना है, अपना दोस्त बनाना है, तो ज़िंदगी हसीन है। तो हीरो जी, जैसे दो महीने हुए थे आप शादी से मिले, दो महीने आप लोग मिले, कुछ हुआ था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जब आपने शान जी को कॉल किया होगा कि हाँ मैं अपना एल्बम लॉन्च कर रहा हूँ उसके लिए आपको आना, तो उनका क्या रिएक्शन क्या था? इनकी तो मेरे से आत्मा मिल गई। ये ही हैज बिकम लाइक, आई डोंट नो, आई मीन वी गॉट इनटू द फ्लाइट, इन्होंने देखा, हमने देखा, फिर देयर आर नो लुकिंग बैक, एंड इट हैज बीन अ वंडरफुल एसोसिएशन, एंड आई थिंक वी हैंग आउट वी हैव ड्रिंक्स टुगेदर समटाइम्स, या नो, देयर इज नो अल्टीमेट मोटिव, देयर इज नथिंग, इट इज जस्ट दैट, एक तो उनके जो सन लॉ है एलिया, वो मेरे बचपन के दोस्त हैं, मुझसे बड़े हैं, लेकिन मेरे मतलब हमारा जो वो गली था, मोहल्ला था, उस मोहल्ले के सबसे नटखट और सबसे क्रेजीएस्ट डूड वाज एलियास। आई ऑलवेज लुक अप टू हिम, ये नेक्स्ट क्या करेगा। सो देन ऑफ कोर्स हिज फादर मधुश जी हैज रिटन द सॉन्ग, सो आई हैड टू मेनी रीजंस, हीरो जी, एलिया, मधुश जी, इनसे दोस्ती हुई हमारी, इनसे दोस्ती हुई हमारी, हमारी गाने की उम्र बढ़ गई। नहीं, और नहीं, हम हमारे बीच सबसे जो बुजुर्ग हैं उन्हें से भी कुछ पूछ लीजिए, हम तो यहाँ से हैं, अरे हम क्या करें। पूजा, इवन दीपिका डिसाइडेड हर करियर विद यू म्यूजिक वीडियो, म्यूजिक वीडियो, क्या कहते हैं, कितना रिकॉग्नाइज होगा, अगर मतलब सक्सेसफुल तो होगा ही, तो कितना ज्यादा टर्निंग पॉइंट होगा आपके लिए इन टर्म्स ऑफ। मुझे उम्मीद तो बहुत है, जैसे मैंने बोला कि मेरा पहला म्यूज़िक वीडियो है, सो बहुत ही स्पेशल भी है, एंड हम सब ने बहुत हार्डवर्क किया है, जैसे बोला है कि 48 आवर्स में वी हैव मेड सच अ ब्यूटीफुल वीडियो, सो हम सबकी यही उम्मीद है कि यू नो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, लोगों को पता चले, हमारा हार्डवर्क सबके सामने आए, एंड आई होप इट रीचेज ग्रेट हाइट्स। सर इज़ अमेजिंग। मुझे याद है हम लोग जब यहाँ से पंचकनी ट्रैवल कर रहे थे, आई वाज ट्रैवलिंग विद सर इन द कार, पूरे रास्ते उन्होंने इतना हम लोगों को मोटिवेट किया है विद हिज इंस्पिरेशनल टॉक्स एंड एवरीथिंग दैट ही हैज़ ऑन यूट्यूब एंड एवरीथिंग दैट ही पुट्स अप एवरी मॉर्निंग। इट इज़ सो मोटिवेशनल, इट जस्ट चेंज्ड यू नो अ लॉट ऑफ माई थिंकिंग एज वेल। मेरा पूरा पर्सपेक्टिव भी चेंज हुआ है, लाइक यू नो एट दिस एज, सो यू आर रियली यंग बट स्टिल एट दिस एज टू हैव दिस थिंकिंग, इट्स फिनोमिनल, इट्स अमेजिंग, यू नो। मेरे बात सही बात है, सर ने एक बात मुझे कही थी जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, और उस तरह से किसी ने इस बात को नहीं बताई कि हम हमेशा सोचते हैं कि कल क्या होगा, कल हमारी ज़िंदगी में हम कैसे, अगर कुछ हो जाए कैसे जूझेंगे, क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आज आपकी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने गुजरे हुए कल में आपने जो किया था उसी का ये कॉन्सिक्वेंस है। तो आज को आप इस तरह से जिए, इतने अच्छे से या अच्छे से जिए कि ऑटोमेटिकली आपका आने वाला जो कल है वो इसी का कॉन्सिक्वेंस होगा ना। तो जो भी होगा, इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू लिव टुडे। लेकिन अगर आज इस मोमेंट को जीते हुए आप कल के बारे में सोचेंगे और आज को नहीं जिएंगे, तो आपका कल क्या खास होगा, आप सोच लीजिए। ये बात उन्हें इतनी टू द पॉइंट बताए थे सिर्फ दो लाइन में, और मुझे इतना मज़ा आया उस बात को सुनकर।
Sir Manmohan sir is financially well off, you know, he is financing the jo log capable nahi hote, you know, the creative people, singer lo log, kya karna chahiye, platform provide karna chahiye unko, aap khud bahut kuch karte ho, kya nahi bataye kya karna chahenge? नहीं नहीं, वैसे देखिए देखिए क्या है कि अब ये जो आपका जो सवाल है इसमें एक इट्स ए टू प्रॉन्ग्ड काइंड ऑफ अ क्वेश्चन. अब सर ऑफ कोर्स लाइक आई ऑलरेडी सेड दैट ही इज़ नॉट हियर टू मेक अ करियर आउट ऑफ म्यूज़िक. लेकिन आप अब जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि जिनको करियर बनाना है म्यूज़िक का और उनके पास फाइनेंशियल कनेक्शन नहीं है, तो डेफिनेटली बहुत सारे ज़्यादातर जो करियर्स बने हैं वो मजबूरी भूख में ही बने, क्योंकि तब जाके आप में वो एक डू और डाई वाली स्पिरिट आती है. सो इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन. यू डोंट कनेक्ट कि अगर आपको अपना वीडियो आप फाइनेंस नहीं कर सकते तो आप कैसा क्या होगा. होगा आपकी जो टैलेंट है, आपकी जो वही आपकी स्ट्रेंथ होगी. आप जहाँ भी गाएंगे लोग आपको सुनेंगे, अगर आपकी आवाज़ वो पसंद करेंगे तो डेफिनेटली सामने से लोग आपको ऑफर करेंगे एंड इट विल हैपन. आई एम श्योर कि यू नो सर्स हियर, मेरी अपनी एक कंपनी है, मेरी बीवी एक कंपनी चलाती है कॉल्ड हैपीडेमिक, वेयर वी आर एनकरेजिंग अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स. अलग अलग दूर दूर छोटे छोटे शहरों से आ रहे हैं बम्बई में, वो यहाँ आके बस जाते हैं. तो वी हैव क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म वेयर उनको सस्टेनेंस के लिए शोज़ हुआ, म्यूज़िक वीडियोज़ हुआ. वी हैव एक यंग लड़का है मुस्तफ़ा, उसके साथ मैंने वीडियो किया अभी है, मैं सच बोल दा पंजाबी गाना उसने किया है, बहुत अच्छा किया है, इसका 8 मिलियन हिट्स, अच्छा चल रहा है. सो ऑब्वियसली वी मस्ट डू समथिंग. लेकिन वही है, कोई किसी के लिए फेवर नहीं करता. इफ़ यू हैव द टैलेंट एंड यू हैव द पैशन, पीपल आर गोइंग टू फाइंड यू एंड पीपल आर गोइंग टू प्रमोट यू. नहीं, मुझे इतना एक्टिंग के रूप में मुझे इतना इम्प्रेस नहीं किया हीरो जी. आई थिंक ही इज़ गॉट अ ब्यूटिफुली मेलोडियस वॉइस, अ वार्म वॉइस, अ ह्यूमन वॉइस, एंड आई थिंक वी विल कोलैबोरेट एज इन एक्टिंग भी करेंगे और सिंगिंग भी करेंगे और कुछ अतरंगी कमाल का गाना बनाएंगे, कुछ मज़ेदार गाना होगा. बिल्कुल हाँ, मेलोडी भी होगी उसमें, लेकिन उसमें एक फिलॉसफी भी होगी. मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि एक्टिंग क्यों इनकी अच्छी नहीं है, क्योंकि इज अ वेरी नेचुरल पर्सन, ये ज़्यादा बनावट नहीं कर पाते हैं. उसलिए अगर वो आता ना तो एक्टिंग बहुत वो वॉक वॉक चाल वाल देते हैं, बट ही इज जस्ट नेचुरल एंड ही इज जस्ट अ पर्सन एंड एज अ सिंगर ही हैज अ वेरी डीप ब्यूटीफुल वॉइस. ही इज सो राइट. आप रूप से पूछ लीजिए, रूप ने कहा कई बार कहा यार सारा ऐसे कर दो वैसे कर दो. मैंने कहा यार जो मैं हूँ, जो आप देख रहे हैं मैं वही हूँ. दैट्स मी, मी एंड ओनली मी. आई डोंट वांट टू एक्ट, आई एम जस्ट लाइक दैट. आई डोंट वांट टू एक्ट, आई एम जस्ट लाइक दैट. कैसा राइम बन गया, अभी बन गया राइम बन गया ना सर. तो ये है साहब, ये जो कह रहे हैं ना सर कि जो है आज का ही है, आज ही है, वही यही वक्त है, यही वक्त है. कोई उम्र का तकाजा नहीं, कल का क्या होगा. हम रोज जन्म लेते हैं, रोज जाते हैं, रोज जन्म लेते हैं. चलिए एक 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 दो लाइन गुनगुनाकर खत्म करते हैं. लाइन हाँ, आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है. गुलजार साहब ने लिखा है, यही बात है बस. लीजिए इस इतना खूबसूरत ये पल हम सेलिब्रेट कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे. बस क्या, एनआरसी और सीए, जिसको जो समझ में आया वो समझ चुके हैं, और जिनको नहीं समझना है उनको समझा कर हम, और वो कभी नहीं समझने वाले, तो छोड़ देते हैं इस बात को. हाँ, इसको अगर आप नकार भी देते तो गुरु डाल देते, देखो इतनी सेंसिटिव बात कही और नहीं कर रहा, ये भी हो जाता है. लेकिन अभी जब सवाल पूछ ही लिया, नहीं देखिए जो जो करार हुआ है कि फांसी होने वाली, अब कई बार ऐसा होता है कि हैंगमैन या जो सिचुएशंस होती है ना, बहुत सारी टेक्निकल सिचुएशंस होती हैं, तो ऐसा ये बात नहीं है, जो होना है वो तो होना ही है, उसे हम टाल नहीं सकते. और इस तरह के मतलब क्या क्या कहें, इस तरह के जो लोग हैं दे डोंट डिजर्व टू लिव. एंड साथ साथ आई एम ऑल्सो बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड देर इज़ अ लॉट ऑफ
मेंटल सिचुएशन चल रहा है आजकल, हम जो देखते हैं ना तो लॉजिकली इसको ब्रेक डाउन करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब पता चलता है कि लोगों को पता नहीं क्या उनकी मनोवैज्ञानिक क्या सिचुएशन है, लोगों के अंदर क्या क्या चल रहा है। बट हैविंग सेड दैट, जो भी डेट है जब भी होगा वो होगा, वो होना है। डेफिनेटली बहुत जल्दी रिजल्ट्स आए हैं, बहुत जल्दी सज़ा का करार भी हुआ है। कोई टेक्निकली काम, कोई टेक्निकल बात होगा ना, ऐसा तो नहीं वो कह रहा है कि नहीं मुझको और दो दिन जीना है भाई ऐसा मत करो, उनके हाथ में थोड़ी है, कोई और टेक्निकल बात होगी। हम बस मुद्दे पर मुद्दा बनाते हैं, ये हम कम करें तो बेटर है।